1 जुलाई से देश में लागू हुए नए कानून को बेहतर संचालन के लिए सभी थानों और पुलिस चौकियों में कार्यशाला का आयोजन किया, जिसके तहत लोगों को नए कानून के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। जहां से गांव पुलिस चौकी में भी कार्यक्रम आयोजित किया। 3 नए कानून को लेकर चौकी प्रभारी भोजराज परमार ने कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 160 वर्ष पुराने कानून को हटाकर 3 नए कानून लागू किए गए हैं। इन नवीन कानूनों से लोगों को न्याय मिलेगा। वहीं इस कानून से न्यायालय, चिकित्सा को व पुलिस अधिकारी के क्षेत्र में भी बढ़ रही अपराधों पर अंकुश लगाया जा सकता है। पुलिस भी इन कानूनों का गंभीरता से पालन करेगी। इस दौरान बतौर अतिथि जनपद पंचायत उपाध्यक्ष ओम प्रकाश पाटीदार, भाजपा मंडल अध्यक्ष मुकेश पटेल, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र सहमडलोई सहित राकेश पटेल, हरिओम यादव, अन्नु पाटीदार सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। आज जो कल हमने कार्यक्रम रखा था थाना वोल पे, यहाँ से अधिकतर लोग वहाँ पे गए थे सम्मिलित होने के लिए नए कानूनों से संबंधित। वो कानून के बारे में जानकारी विस्तृत में वहाँ पे दी गई थी। यहाँ पे भी बहुत से परिवर्तन हुए। जो 1860 में जो IPC, जो इंडियन पीनल कोड जिसको भारतीय दंड संहिता बोलते हैं, वो लागू हुई थी। उसके बाद से करीबन 160 साल बाद ये परिवर्तन हुआ है। जो कि पुराना कानून था उसको उसमें सुधार करते हुए नए कानून के तौर पर जो अपने भारत का कानून है वो लागू किया गया है। तो जो कानून है वो पहले किसी को दंड देने के हिसाब से बनाया गया था, अब का जो कानून है वो न्याय के हिसाब से बनाया गया है। ज़रूरी नहीं है कि कोई किसी पर कोई आरोप लगा दे तो वो हो गया तो उसको दंड ही दिया जाए, उसको न्याय मिलेगा। सही है तो उसको सज़ा मिलेगी, गलत है तो सज़ा मिलेगी, सही है तो उसको बरी भी होगा। तो इस हिसाब से उसने बहुत सारी चीज़ें परिवर्तन किए। सगाव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट।